दोस्तों, अगर आप अपने YouTube चैनल पर शॉर्ट्स वीडियोस डालते हो और आपकी शॉर्ट्स वीडियोस में व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। सबसे पहले मैं आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर दिखाऊंगा। यहाँ पर एक चैनल देख लीजिए, इस चैनल की पहली वीडियो को अभी हम छुपा देते हैं, उसके बाद सेकेंड वीडियो को देख लिए, सेकेंड वीडियो व्यूज देख लिए 3.8 करोड़ व्यू, यहाँ पर तीसरी वीडियो मतलब 1.3 करोड़ व्यूज, यहाँ पर 27 लाख, इतने तगड़े तगड़े व्यूज आ रहे हैं। और अगर मैं इनकी इस चैनल की पहली वीडियो की बात करूं, जो फर्स्ट वीडियो उसकी बात करूं, तो उस वीडियो में देख लीजिए 5.1 करोड़ व्यूज आए हैं और वीडियो डाला हुआ मात्र 18 दिन हुआ है। तो इस चैनल के ऊपर जो स्ट्रैटेजी से काम किया गया है ना, जो तकनीक इसके ऊपर लगाई गई है मेरे भाई, वो टेक्निक अगर आप अपने चैनल पे लगा दोगे तो आपके वीडियो में स्टार्टिंग से ही 5-10 हज़ार व्यूज तो आना स्टार्ट हो जाएंगे, इस चीज़ की गारंटी मैं दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप अपने हिसाब से काम करते रहे ना, तो आपको भी पता है रिजल्ट क्या मिलने वाला। अभी तक आपने अपने हिसाब से काम करा, क्या ही रिजल्ट मिल गया आप लोगों को पता होगा। अगर आप इस वीडियो को देखने की जरूरत पड़ रही है, तो मैं मानता हूँ कि आपको वो रिजल्ट तो नहीं मिला है जो आप अपने आप से उम्मीद रखते हैं। तो इस वीडियो के अंदर जो तरीका मैं बताऊंगा, इस तरीके से काम कर लो, आपकी वीडियो 110% वायरल होगी, आपकी वीडियो से व्यू जरूर आएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आप 1-to-1 मुझसे कॉल में बात करना चाहते हैं, आपको कोई भी सवाल है यूट्यूब से संबंधित, तो आप डिस्प्ले में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जाकर कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले बात सुन लो मेरे भाई, ये नंबर जो मैं दिखा रहा हूं हमारी टीम का नंबर है, ये पेड कॉल होने वाली है, यानी कॉल के चार्ज रहेंगे। वो चार्ज इसलिए रखें ताकि जिसको एक्चुअल में नीड हो उसकी हेल्प हो सके, फालतू लोग कॉल करके परेशान न करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई अब कहीं से आपका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, सारे रास्ते बंद हैं, तभी कॉल बुक करना, नहीं तो पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, वीडियो देख के आप काम चला सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम आपको एक बात बोलना चाहूंगा, शॉर्ट्स पे काम करने से पहले ना, मेरी इस वीडियो को दो टाइप की ऑडियंस देख रही होगी। एक तो ऐसी ऑडियंस होगी जिसका खुद का कंटेंट है, यानी खुद ऐसी वीडियोस बनाते हैं जिनको यूट्यूब में अपलोड करते हैं। दूसरे ऑडियंस ऐसी होंगी जो लोग खुद का कंटेंट नहीं बनाते, उनको कोई कॉपी पेस्ट पे काम करना है और वैसा कंटेंट डाल के पैसा कमाना है, और उस कंटेंट में व्यूज नहीं आ रहे हैं। तो मैं आज की वीडियो के अंदर दो तरीके बताऊंगा, दोनों तरीके आपको दोनों के टाइप के ऑडियंस पे काम करने वाले हैं। जो पहला तरीका होगा, जो दूसरा तरीका होगा, दोनों टाइप के ऑडियंस के लिए दोनों के दोनों रामबाड़े इलाज होने वाले हैं। देखो, सबसे पहला तरीका मैं आपको बताऊंगा ना, आप जब वीडियो बना लेते हैं, जो आपकी वीडियो रहती है उसको अपलोड करते टाइम पे आप कुछ मिस्टेक करते हैं, वहां पर कुछ कमी छोड़ देते हैं, जिससे आपका ऑडियंस रिटेंशन गिर जाता है, यानी कि ऑडियंस आपके चैनल पे आ ही नहीं पाती है, और वीडियो में क्लिक कर लिया तो वीडियो को आगे तक देखती ही नहीं है। आपने वीडियो चाहे कितनी प्यारी बना दी, लेकिन एक वीडियो को अपलोड करते टाइम पे आपको कुछ ऐसे तरीके करने पड़ते हैं ताकि ऑडियंस रुक जाए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं। आपने जाना है सबसे पहले अपने फोन के YouTube एप्लीकेशन के अंदर, जहां से आप शॉर्ट्स को अपलोड करते हैं। शॉर्ट्स को अपलोड करने के लिए YouTube एप्लीकेशन में गए, अब यहां पर से आप अपलोड करेंगे अपनी शॉर्ट्स को, प्लस वाले आइकन में क्लिक करके यहां शॉर्ट्स में जाकर के आप अपनी शॉर्ट्स को क्लिक कर लेंगे। अब शॉर्ट्स आपकी जहां पर रहेगी आप वहां से उठा लेना, मेरी शॉर्ट्स जहां पर है, मैं तो सिर्फ आपको एक डेमो दिखा रहा हूं, इसलिए ये मत समझना कि मैं यहां पर आपको परफेक्ट करके दिखाऊंगा। मैं एक सिर्फ अपनी जो रील मैंने अपने इंस्टाग्राम पर डाली थी, और इंस्टाग्राम में डालने के बाद वो रील वायरल भी हुई है, आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम में जाकर के देख सकते हैं यही रील को। तो यही रील मैं यहां पर भी लेने वाला हूं, ये ले लिया, मैं आवाज जो कर देता हूँ कम, ठीक है, ये हमारी शॉर्ट्स है। अब देखो, मैंने ये बनाई थी मैंने इंस्टाग्राम के लिए, तो ऊपर से मैंने कुछ लिखा, मैंने तो सिर्फ समझाने को बोला था, ये इंस्टाग्राम के अंदर पड़ी थी, तो लोगों ने जो देखना चाह रहे होंगे ना, उनके दिमाग में एक चीज आया होगा कि आखिरकार इसने क्या समझाने को बोला था, क्या होने वाला है वीडियो में, दिमाग में एक क्वेश्चन पैदा हुआ। ये वीडियो इंस्टाग्राम में वायरल होने का रीजन ही यही था कि मैंने ऊपर जो लिखा उसको पढ़ करके लोग यहां पर रुक गए। अब यूट्यूब में आप जब अपलोड करते हैं ना, आप वीडियो बना लेते हैं, लेकिन आप ये चीज़ नहीं लिखते वहाँ पर। अगर आप वहाँ पर नहीं लिख रहे, तो यहाँ पर जब आप वीडियो अपलोड करते हैं ना, तो यहाँ पर कुछ आपने ऐसे शब्द लिखने हैं जिससे लोग की एक क्यूरियोसिटी पैदा हो जाए, लोग रुकने को मजबूर हो जाए। आप यहाँ पर डन में क्लिक करेंगे, यहाँ पर डन में क्लिक करते प्रोसेसिंग चल रहा है, हमारी पूरी वीडियो लोड होगी। अब इसके बाद टैक्स आपने अब लिखना है। अगर आपने एडिटिंग के टाइम पर लिख दिया है कुछ ऐसा टैक्स तो अच्छी बात है, नहीं तो आपने अब लिखना है। अब टैक्स में क्या लिखेंगे, आपने कुछ भी ऐसा अपने दिमाग से बना सकते हैं, जैसे कि एंड तक देखना, प्लीज वॉच टिल एंड, या अरे ये क्या हो गया, सोचा नहीं था ऐसा होगा, कुछ भी ऐसे शब्द जो चौंकाने वाले हों, जो एकदम सस्पेंस क्रिएट करते हैं।
लोग पहली ही लाइन को देख के समझ जाएं कि हाँ वीडियो में कुछ आगे ऐसा होने वाला है जिसे देख के मजा आएगा। अब वीडियो के आप पे डिपेंड करता है आपने वीडियो क्या बना रखी है, ठीक है, मतलब वायरल करने का तरीका बता रहा हूँ। और ये आपको एक बार वायरल कर देगा और अगर आपकी वीडियो में दम रहा तो ये आपको रेगुलर वायरल करते रहेगा, जो ऑडियंस आएगी आपको दोबारा भी देखेगी। अगर आप झूठे तरीके से एक बार वायरल कर लेंगे, आपकी वीडियो में दम नहीं रहेगा, तो भाई वो एक बार ऑडियंस आ जाएगी गलती से, लेकिन दोबारा नहीं आएगी, ठीक है। आपकी वीडियो आ चुकी है, मेरा कैमरा खुल के आ चुका है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने ये करना है, इस वीडियो को लेना है, यहाँ पर आपने राइट में क्लिक करना है। राइट में क्लिक करके हमारी वीडियो आ चुकी है, इसमें इसको वीडियो को रोकते हैं पहले। अब यहाँ पर सबसे पहले टैग से लिखा रहते हो ए, तो यहाँ पर आपने जो भी लिखना है ये यहाँ पर लिख देंगे, जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं सोचा नहीं था ये होगा, मान लो यही लिख दिया। इसके एक इमोजी लगा देते हैं, कोई सी चौका याली लगा देते हैं, एक याली लगा देते हैं, ये इमोजी लगा दी और हमारी ये टैग से बनके तैयार है, ठीक है, डन करते हैं। अब इस टैग से को आपने ऊपर नीचे जहाँ पर मेरे तो ऊपर टैग से लिखा पड़ा है, आप इसे कहीं पर भी लगा देंगे, ठीक है, इसको लगा देंगे ताकि ऑडियंस देखे और वो सोचे कि हाँ यार इसके अंदर क्या होने वाला था, ठीक है। यहाँ पर आप इसको देखो एडिट कर सकते हैं, इसमें कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसका आप यहाँ से देखो आप इसको साइड भी लगा सकते हैं, टैक्स का कलर भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। तो आपने ऐसा लगा दिया, ये मैंने ऐसा लगा दिया, ठीक है, तो इस टाइप से ये कर सकते हैं। ये रहेगा जो आपकी ऑडियंस को हुक करेगा, उसके बाद सिर्फ इतना ही करने से आपका काम नहीं बनेगा। आप YouTube पे काम कर रहे हैं तो आपको हमेशा ट्रेंड के साथ चलना पड़ेगा। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा ना कि ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो बनाओ और आपकी वीडियो वायरल होगी। अब आप एक चीज बताओ, YouTube के अंदर ट्रेंड क्या चलता है? कोई वीडियो ट्रेंड नहीं चलती है, हमेशा कोई सॉन्ग, कोई ऑडियो या कोई आवाज ही ट्रेंड चलती है। तो हमेशा ध्यान रखना, आप अगर ऑडियो ट्रेंड के ऊपर चलेंगे तो आपकी वीडियो ज़्यादा ही वायरल होगी, चांस बढ़ेंगे, आप अपने तरीके से वायरल करने के चांस बढ़ा सकते हैं, ठीक है, तो आपने वही करना है। अब यहाँ पर आपने ऑडियो लगानी है। अब ऑडियो आप ट्रेंडिंग ऑडियो कहाँ से लाएंगे, आपको कहाँ से पता चलेगा कि भाई अभी के डेट में ये ट्रेंडिंग ऑडियो चल रही है? उसके लिए आपको गूगल ही बताएगा। आपने गूगल में जाना है और गूगल में जाकर यहाँ सिंपल से आपने GLOBLE ग्लोबल चार्ट सर्च करेंगे। ग्लोबल चार्ट सर्च करते हैं, यूट्यूब म्यूजिक चार्ट आपको नजर आएगा, ठीक है, इसमें जाएंगे। अब यहाँ पर आपको देखो बहुत सारे यहाँ पर लिस्ट आएगी सॉन्ग की, देखो कुछ सॉन्ग तो आपको यार 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना। अब यहाँ पर देखो कुछ सॉन्ग में देखो ग्रीन आ रहा है और कुछ में रेड आ रहा है, देखो इसमें रेड आ रहा है, इसमें रेड आ रहा है। तो आपने क्या करना है ना, जिसमें ग्रीन आ रहा है उसको लेना है, या फिर जो टॉप में चल रहे हैं अभी, ये चल रहे रनिंग में है, जो पहले के सॉन्ग है ये सॉन्ग अभी इनका रनिंग चल रहा है, इनका रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, आप इन सॉन्ग को भी ले सकते हैं या फिर आप इन सॉन्ग को भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर ग्रीन सॉन्ग है जो तुम मेरे हो, ये सॉन्ग है, आपने इस सॉन्ग का नाम यहां से देख लेना, ठीक है, इस सॉन्ग का नाम यहां से हम कॉपी कर लेते हैं और हमने जाना है अपनी वीडियो के अंदर। वीडियो में गए और यहां से ऐड साउंड ऊपर नजर आता है, इसमें क्लिक करेंगे, यहां पर सर्च कर देंगे अपना साउंड, ठीक है, जो तुम मेरे हो ले लिया। अब ये सॉन्ग वो आ चुका है, यही सॉन्ग था, हम इस सॉन्ग को ले लेंगे, ठीक है। अब इस सॉन्ग को हमने ले लिया, अब ये सॉन्ग हमारी वीडियो में आ चुका, ठीक है। अब लेकिन हो सकता है कि आपकी वीडियो में जो, जैसे कि मेरी ये वीडियो थी, इसमें मेन भाग सॉन्ग नहीं लगा सकते हम, क्योंकि मेरी वीडियो के अंदर जो चल रहा है वो ज़्यादा मेन है, तो मैंने वो चीज़ दिखाना है, बस सॉन्ग लगा दूंगा, सॉन्ग की आवाज़ आएगी, मेरी आवाज़ तो आएगी नहीं। तो उसके लिए आपने कहना है, यहाँ पर इस ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से यूअर ऑडियो को आपने बढ़ा देना, 100 कर देना, और जो सॉन्ग की ऑडियो इसको 2, 3 या 4% इतना रख देना, ताकि हल्का सा सुनाई दे, ज़्यादा भी नहीं सुनाई दे, एक बैकग्राउंड म्यूजिक की तौर पर 1% मैंने रख दिया। हमको सिर्फ सॉन्ग को ऐड करना है, सुनाना नहीं है, हमारे एल्गोरिथम को समझा देना कि हमने सॉन्ग का यूज कर रखा है। यस कर दी आपकी वीडियो, यहाँ पर एक चीज़ काम हो चुका है। अब इसके बाद फिल्टर लगाना है, तो आपकी इच्छा है, फिल्टर लगाना नहीं लगाना, बाकी कुछ स्टिकर लगाना है आपकी इच्छा है। नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, अब यहाँ से दूसरा खेल स्टार्ट होता है थंबनेल का। थंबनेल कहाँ से, थंबनेल आप बाहर से नहीं लगाएंगे, आप लगाएंगे वीडियो के अंदर से, या पेंसिल में क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखो आपकी वीडियो के अंदर ही आपने कुछ ऐसा भाग पहले से ऐड करके रखना है जिसको आप थंबनेल के लिए यूज करेंगे। आपकी वीडियो किसी भी टॉपिक के ऊपर है, आपने उसके एंड में बीच में 1 सेकंड के लिए कुछ ऐसा भाग, ऐसी फोटो ऐड कर देनी है जो आपको लगता है कि मैं थंबनेल में लगा सकता हूँ। फिर उसके बाद आप अपने वीडियो के अंदर इसको स्क्रॉल करेंगे, जैसे कि मैं अपनी वीडियो में ये लड़कियाँ जो लड़ रही है, मैं इनका थंबनेल लगा दे रहा हूँ,
ताकि ऑडियंस देखे अब लड़ियाँ क्यों लड़ रही है ये देखेंगी। ठीक है, ये हमने लगा दिया, अब देखो कितना खतरनाक लग रहा है। अब किसी के सामने वीडियो आएगा तो देखेगा नहीं देखेगा, मैंने तो सिर्फ समझाने को बोला था, सोचा नहीं था ऐसा होगा, लड़कियां तो लड़ रही हैं। अरे यार क्या जो हो गया, लोग क्लिक कर लेंगे, क्लिक करके वीडियो में देखें तो देखेंगे भी। ठीक है, कैप्शन में हमेशा ध्यान रखना जो पहली लाइन रहेगी आपकी वीडियो का टाइटल रहेगा, जैसे कि सोचा कुछ भी रख सकते हो आप, सोचा नहीं था ऐसा होगा, ये आपने रख दिया जो पहले टाइटल आ गया। इसके बाद जो खेल स्टार्ट होगा वो आगे आपको हैशटैग का, सबसे पहला हैशटैग शॉर्ट और एक ये वायरल शॉर्ट, ये दो तो डालने ही डालने हैं, ये दो शॉर्ट्स ये टैग आपने हैशटैग डालने हैं। उसके बाद एक हैशटैग डालना अपनी वीडियो से संबंधित, जैसे कि मेरी वीडियो में फाइट है तो हमने हैशटैग फाइट लिख दिया। ठीक है, ये डाल दिए, और इस थंबनेल इस टाइटल में आपने एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है, दो लिख दो आप ये शॉर्ट से वायरल शॉर्ट, और दो लिख दो अपनी वीडियो से संबंधित, जैसे मैंने फाइट लिख दिया, एक लव लिख देता मैं तो चल जाता वो भी, तो ऐसे लिख दिया। और क्या यहाँ पर से आपने इसको रखना है अनलिस्टेड में, ठीक है, यहाँ से इसको अनलिस्टेड में ही रखना है, और उसके वजह से अपलोड शॉर्ट में क्लिक कर देंगे। अपलोड शॉर्ट में क्लिक करेंगे आपकी वीडियो अपलोड होगी, और इसको 30 मिनट के बाद ही आपने पब्लिश करना है, ये रहेगा एक तरीका। अब दूसरा तरीका भी सुनते हुए जाओ, क्योंकि दूसरा तरीका एक ऐसा तरीका होने वाला है जो कॉपी पेस्ट के लिए तो बहुत ही रामबाण है। उसके लिए मान लीजिए आपने कोई शॉर्ट्स देखनी, मान शॉर्ट्स वाले ऑप्शन में गए, अब आपको शॉर्ट्स में गए, आपको जैसे कि ये शॉर्ट्स आपको पसंद आ रही है, मिस्टर बीस्ट की शॉर्ट्स है, कैरी बिनाटी वाली शॉर्ट्स है, तो आपने इस शॉर्ट्स के ऊपर काम करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा इस टाइप का कुछ, इसमें क्लिक करेंगे, और यहाँ से आपको देखो तीन चार ऑप्शन मिलते हैं, यूज दिस साउंड कोलैब ग्रीन स्क्रीन कट दिस वीडियो, तो हम करेंगे कोलैब, कोलैब में जाएंगे, यहाँ से हमने कोलैब करना है। अब यहाँ से आपको जितनी लंबी वीडियो चाहिए उतनी लंबी वीडियो ले लो, आपको अगर इतने भाग में कोलैब करना है तो इतने में कर लो, हम यहाँ से इतने भाग को ले लेते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट में क्लिक करना है, नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, अब यहाँ से आपका कोलैब के लिए आपका कैमरा ऑन होगा ताकि आप अपनी वीडियो बना सकें, आपको चेहरा दिखाना जरूरी होगा, आप चेहरा भी दिखा सकते हैं, नहीं तो आप अपना ऐसे छत दिखा दो, कुछ भी दिखा दो जो आपकी इच्छा है, क्योंकि लोग आपको देखने नहीं आएंगे इस वीडियो में, जो भी देखने आएगा जो फेवरेट यूट्यूबर होगा ना उसका, वो जिसकी वीडियो आप ले रहे हो उस वीडियो को देखने आएगा। अब यहाँ पर आप अपने चेहरे को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने चेहरे को साइड में ला सकते हैं, ऊपर ला सकते हैं, नीचे ला सकते हैं, कहीं भी ला सकते हैं, ऐसे ले आएंगे, उसके बाद आपने अपना चेहरा ले लेना। ठीक है, अब इसके बाद आपने इसे यस कर देना है, और उसके यहाँ पर शॉर्ट रिकॉर्डिंग में ऑन कर देना है, और यहाँ से रिएक्शन दे दो या कुछ बोलो, ऐसा मज़ा आ गया यार, ऐसे रिएक्शन दे दो। ठीक है, रिएक्शन दे देना है और कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो जितनी लंबी होगी उतनी बनकर तैयार हो जाएगी। अब इस वीडियो को देखने के लिए ना ये वायरल तभी होगी, क्योंकि इसको देखने के लिए जो भी लोग आएंगे ना वो आपको देखने नहीं आएंगे, वो ऊपर वाले मिस्टर बीस्ट को, कैरी मिनाटी को, इनको देखने आएंगे, तो इससे ये होगा कि आपका जो ऑडियंस आएगी वो प्रॉपर ऑडियंस आएगी, आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी, दूसरों की मदद से भी आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। अब इसमें शॉर्ट्स आप डाल देना, हैशटैग और टाइटल डाल देना, जो शॉर्ट्स आपने ले रखी है उसी शॉर्ट्स का उठा के डाल देना। तो इस तरीके से काम करो, सिर्फ आप 10 दिन काम करो, आपकी वीडियो व्यूज ना आए तो फिर कहना। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई लाइक कमेंट शेयर कर देना, इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर लेना, मैं मिलूंगा किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय उत्तराखंड।